थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आई थिंक ये बड़ा इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसको आज इंशाल्लाह लॉन्च किया जा रहा है। ये इंतहाई अहम बात है कि हमारे जो माशरे में मुख्तलिफ जावियों से जो हमारी जो काविशें हैं या एफर्ट्स हैं वो जारी हैं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट एडवाइस सजेशन वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन का यकीनन एक फुकदान है, जो कि हमारी जो नौजवान और बड़े पढ़े लिखे और बहुत ही काबिल हमारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या दुनिया में किसी भी जगह पे वो बसते हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी इंक्लूसिव जो है कंट्रीब्यूशन, उसका हमें बेपनाह फ़ायदा होगा कि आज की दौर में जो जदीद अलूम तहकीक और जो एक्सपर्टीज़ है उसकी बहुत कदर मंजिलत है, और ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए आज ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है ये इंतहाई काबिल तहसीन है, और इसको मैं पर्सनली इंशाल्लाह प्रमोट करूँगा और मैं इनक्रेज करूँगा अपने कौम के उन नौजवानों से, बच्चों बच्चियों से, इवन देयर एल्डरली पीपल फ्रॉम वेर एवर यू गेट एडवाइस एंड यू नो साउंड सॉलिड सजेशन डैट वुड बी मोस्ट वेलकम, एंड इंशाल्लाह फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये मुल्क हर लिहाज से आगे जाए और जो जदीद दौर के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। आज दुनिया में वो कौमें आज आसमानों से बातें कर रही हैं जहाँ पर तालीम तहकीक रिसर्च एंड यू नो पेपर्स लिखे जाते हैं, फिर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं, आइडियाज़ आते हैं, उनको फ्लोट किया जाता है, उनके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। ये तमाम आई थिंक चीज़ें इंतहाई अहम हैं आज की दुनिया में। तो मैं इन अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर दिस गैदरिंग, एंड नाउ सलमान सूफी, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपकी पब्लिक पॉलिसी की जो इनिशिएटिव्स हैं, जो जिसमें जो पब्लिक के डायरेक्ट बेनिफिट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपकी हमेशा से इंस्ट्रक्शंस ले रही है कि लोगों को डायरेक्टली एंगेज किया जाए ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हों। तो उसी सिलसिले में सर, आपकी इंस्ट्रक्शन पे आज ये प्राइम मिनिस्टर्स इनोवेशन हब का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक सिंपल मकसद है कि वी आर पुटिंग पब्लिक बैक इन पब्लिक पॉलिसी। इस इनोवेशन हब के थ्रू जो हमारी पब्लिक है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो सबमिट करवाएंगे, और जब वो सबमिट करवाएंगे तो वी हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विच इंक्लूड्स प्रोफेसर फैसल बारी। पब्लिक्स रोल इन पब्लिक पॉलिसी, राइट सर। इसमें सर हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में प्रोफेसर फैसल बारी हैं, मुशर्रफ जैदी हैं, प्रोफेसर शाहरुख वानी हैं, शेजा हैं और आयशा रजा फारूक हैं। जो आइडियाज़ आएंगे डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर उनको फिर वेट किया जाएगा, और द सिलेक्टेड आइडियाज़ विद द कर्टिसी ऑफ मैडम मिनिस्टर पीटीवी पे एक प्रोग्राम 14 अगस्त को लॉन्च होगा कि जिसमें फिर दे विल बी इन्वाइटेड फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान, दे विल पिच देयर आइडियाज़ एंड द सिलेक्टेड आइडिया विल बी देन प्रेजेंटेड टू यू एंड देन यू विल रिवॉर्ड द सिटीजन हु हैज़ प्रेजेंटेड द बेस्ट आइडिया, और फिर वो आइडिया जो है देट विल बिकम पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो सर ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि पब्लिक के जो डायरेक्ट आइडियाज़ हैं वो विल बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी और इम्प्लीमेंट होंगे, जो कि आपका स्ट्रेटजिक रिफॉर्म यूनिट करेगा। हमारे जो नौजवान बच्चे बैठे हैं बच्ची, इनसे कोई कैन वी इनवाइट कपल ऑफ कमेंट फ्रॉम दिस अगस्त गैदरिंग। जी बीबी, आप बताइए। कुलचीन आकिल, आई एम रिप्रेजेंटिंग खान डेवलपमेंट नेटवर्क, और पिछले 20 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर से वाबस्ता हूँ, स्पेशली खवातीन से मुतल्लिक डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी यहाँ पे, और वो बात में आपके जाने के बाद हमने बहुत मिस की, कि वो जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स थे, जो सेटअप्स थे, जो ख़वातीन को फोकस करते थे या उनको एम्पावर करते थे, सम हाउ वो पॉलिटिसाइज हो गए,
या उनकी वो हैसियत या अहमियत नहीं रही बाद में आने वाली हुकूमतों में। तो मेरी आपसे ये ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं ये प्लेज करूँगी, स्पेशली जो हमारी कमीशन्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, वो जो ख़वातीन के मसाइल को हल करते हैं, उनको फोकस करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर एडवोकेसी करती हैं, उसको स्ट्रेंथन करें प्लीज़, बिकॉज वी मिस दैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच जी, थैंक यू जी। नौजवान राहगीर, तो राहगीर बेसिकली ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, वी आर बेसिकली बिल्डिंग एक वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन हम बना रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के। सो रिगार्डिंग द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में एक पीक पे जा रही है और नौजवानों को मतलब इससे एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिस तरह के हमारे आइडियाज़ है, हम मतलब फ्रेंचाइजिंग मॉडल बना रहे हैं, कंटेनर कैफेज, कंटेनर होटल्स एंड कैंपर वेन्स, और इसके अलावा एक जितने भी मतलब रोड्स की अगर बात करें तो अगर हम हमजा या गिलगित या कंटेनर होटल की जो आप बात करें, मोबाइल विल बी मोबाइल of course the camper vans, camper van mobile hogi, container jagah pe hota hai, theek ji। yeah so like basically Rahgir is working on the camper van jo ki pakistan mein abhi tak kisi ne launch nahi kiya aur hum is pe kaam kar rahe hain, to matlab iske liye matlab facilities zaruri hai, matlab we have the ideas, humne har cheez sochi hui hai ki humne ye kis tarah karna hai aur logo ko on board kiya hua hai, locations lock ki hui hai, lekin bahut sari aisi cheeze hain ki jo matlab ki hamare matlab they are stopping us, और टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत इफेक्ट हो रही है, स्पेशली द रोड्स कंडीशंस, अगर हम इसके अलावा पॉलिसीज को भी देखें, होटल्स और उस सारी चीज़ों की भी। सो या आई वुड ऑफ कोर्स इनकरेज के टूरिज्म इंडस्ट्री को एक इम्पोर्टेंस दी जाए उस तरह से, और ताकि हम जैसे मतलब जिस तरह हम इस इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, सो या जिस तरह से हम मतलब के जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं वहाँ के लोकल्स को ऑनबोर्ड करके, सो यस ऑफ कोर्स वी वुड बी नीडिंग योर सपोर्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। थैंक यू वेरी मच जी। बेटे आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज इजर, आई एम फ्रॉम हमजा गिलगित बल्तिस्तान, आई एम द सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ chakkar.com। हमारे पास 3,000 से ज़्यादा होस्ट है जो अपने खाली कमरों को रेंट आउट करके ट्रैवलर्स को होस्ट करके अपने स्पेयर होम्स और स्पेयर रूम से कमाते हैं। बिसाइड्स दैट मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को देखें तो दुनिया भर में बहुत पीक पे जा रहा है, और टेक्नोलॉजी पीक पे जा रहा है, और अभी हम पाकिस्तान में ये बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत बढ़ रहा है, सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हमारे करिकुलम में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें टेक्नोलॉजी के 5 to 6 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मिस्टर चिप्स जैसे स्टोरीज पढ़ाया जाता है स्कूल में, क्योंकि स्कूल से जब माइंड बनाते हैं टेक्नोलॉजी वाइज उनको डेवलपमेंट मिलती है, स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स मिलती हैं, तो जाके जो है वो जल्दी से अपने इस पर अपने करियर बना सकते हैं। उसके अलावा मैं जो फेसबुक कमाता है पाकिस्तान से, गूगल कमाता है पाकिस्तान से, मतलब करोड़ों में जो है फेसबुक और फेसबुक गूगल ट्विटर ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है पाकिस्तान से पैसे लेके जाते बाहर, बिजनेस लेके जाते बाहर, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे कोई टैक्स नहीं देता है। सो मैं गवर्नमेंट को मतलब ये सजेस्ट कर दूँगी कि इंटरनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनसे भी टैक्स लिया जाए, ताकि गवर्नमेंट को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है जैसे हम इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, रिसेंटली हमने $1 million का इन्वेस्टमेंट रेज किया है, लेकिन उसको पाकिस्तान में लैंड कराने में हम बहुत मुश्किल फेस कर रहे हैं, और वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम डायरेक्ट कैश को पाकिस्तान में लैंड कराएं, और ले जाके हमें सिंगापुर और दुबई में अकाउंट्स बना के उधर रखने पड़ते हैं। तो अगर इसके लिए भी अगर कोई पॉलिसी बने ताकि पाकिस्तान के इकोनॉमी को भी फायदा हो और हम जैसे स्टार्टअप को भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।
the young man. Thank you so much for having us today. My name is Abdullah Abbas and I'm the CEO of Saving Nine Education Services. Our focus is primarily on emergency medical services and mental health. We have different systems established in collaboration with entities like Harvard University and USAID. My request is that especially for startups or early stage organizations, especially अगर आप एक सोशल एंटरप्राइज हैं, आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि अदरवाइज काफ़ी सारी एन जी ओज हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आम आदमी के लिए जिनको की जरूरियात पूरी कर रही है, उनको हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनकी फंडिंग हो या फिर ऑथराइजेशन की वजह से प्रॉपर फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड, उनके इनिशियटिव जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारे काम में भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस की है, आप इवन किसी अप्रोच के थ्रू हम तीन मिनिस्टर से मिले हैं रिसेंटली, यूएस गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट हमने किया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, इट्स अ ह्यूज क्राइसिस, बच्चे जो हैं ओ ए लेवल्स के बच्चे जो हैं वो पूछना कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट हम तीन मिनिस्टर से मिले हैं, मिनिस्टर जो है इवन उन्होंने वादा करना होता है कि ठीक है आप कर लें, लेकिन एज सून एज यू गो डाउन द ब्यूरोक्रेटिक लेवल कोई काम नहीं होता, वहीं पे जाके ब्रेकें लग जाती हैं, एंड एब्सोल्युटली नो फैसिलिटेशन एग्जिस्टिंग देयर व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टार्टअप्स एंड सोशल एंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से काफ़ी सारे काम है जो गवर्नमेंट के आसान हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गई, मैनी एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती या स्केल नहीं होता कि दे कैन प्रोवाइड पीपल विद द लेवल ऑफ सर्विस दैट इज रिक्वायर्ड एट द माइक्रो लेवल, क्योंकि स्टार्टअप्स एंड सोशल एंटरप्राइजेस कैन रियली फैसिलिटेट दैट, बट एट द सेम टाइम उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या ब्यूरोक्रेटिक लेवल से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। दे स्टार्ट मेकिंग वियर्ड एक्सक्यूजेस, हम एक बंदे के पास गए कि हम आपके स्कूल के अंदर FDE का बंदा था कि हम आपके स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो कहते हैं यार आप वाटर कूलर क्यों नहीं लगाते, उसकी ज़्यादा जरूरत है। हम एक बेसिक हेल्थ यूनिट में जाकर ओके और एक खाली कमरा चाहिए था जो पिछले 10 साल से अबैंडन है, खाली कमरा वो देने पर भी तैयार नहीं कि नहीं आप कब्जा कर लेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप काम करना चाह रहे हैं, लोगों का फायदा है, हमने 600 से ज़्यादा जाने बचाई हैं विदाउट अ सिंगल कैजुअल्टी इन नियर 12 करोड़, हमारा इंपैक्ट इज इन द मिलियंस, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट वी डोंट रियली हैव एनी फैसिलिटेशन। थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी लॉन्च दिस प्रोग्राम इनोवेशन हब, और इंशाल्लाह आपकी जो आई मीन इट कि आपके जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, यू नो वेरी यू नो मॉडर्न एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डे एंड एज, इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे ताकि एक इंक्लूसिव एक अप्रोच बने और जो हमारी यूथ है पर्टिकुलरली उसकी जो सोच, उसकी जो आज के जो उसके आइडियाज़ जो हैं, हम उनको उससे फ़ायदा हासिल करें और उसको हम कौम की तरक्की और खुशहाली में उसको इंक्लूड करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये मरहला है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक लास्ट जी बच्चे आप और हमें आपको मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि क्लास के अंदर है, दार तामीर के अंदर है, स्टोर के अंदर ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ना वुमेंस एजुकेटेड है, वुमेंस के पास कोई स्किल्स नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग स्किल्स है, ना कोई स्किल्स है, लेकिन उनकी स्किल्स को आगे लेके आने, उनकी स्किल्स को उनको इंकरेज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ऊपर काम नहीं करता, और बिना एम्पावरिंग वुमेंस हम आगे नहीं जा सकते। अगर हम पाकिस्तान के अंदर मंदिर के अंदर काम करें, हम गजर के अंदर काम करें, लेकिन चलास दिया में रोड दारी इस टाइप की जो अनएक्सप्लोर एरिया है, इन पर आप काम ना करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना सोसाइटी को एम्पावर कर सकते। तो वो एरिया उन एरिया से काम करने की ज़रूरत है, उन वहाँ जाके प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, चाहे वो आई टी से रिलेटेड हो, टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड हो, या वट एवर जिस टाइप की प्रोजेक्ट्स हो, क्योंकि गवर्नमेंट ये करते हैं कि जो डोमिनेंट एरिया से जो उनको जहाँ पे आसानी हो वहाँ पे जाके वो अपनी प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो रिमोट एरिया है, जो अनएक्सप्लोर एरिया है, वहाँ पर काम नहीं करते। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी, और ये इंशाल्लाह इन्हीं लाइंस पे हम सोच रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले भी मैंने अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं उनको मैंने ये गुजारिश की कि
अब हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो रूटीन का जो फाइल वर्क बहुत होता है, लोड ऑफ वर्क बहुत होता है, तो जो फ्रेश आइडियाज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ का फुकदान होता है बिकॉज ऑफ यू नो लॉट ऑफ बर्डन ऑफ डे टू डे यू नो इश्यूज, उनको रिजॉल्व करना होता है। तो हम ये इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में एक सेल क्रिएट करेंगे जहाँ पर बड़े एजुकेटेड यंग टैलेंटेड लोग आएं और वो अपने उन डिपार्टमेंट्स में अपने आइडियाज़ देंगे, उनके ऊपर वो डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह उन्हें चाहे पावर, पेट्रोलियम, फाइनेंस, कॉमर्स, ये इंशाल्लाह इसमें हम सेल्स क्रिएट करने जा रहे हैं और दे विल बी यू नो वेरी टैलेंटेड पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड यू नो वेरी ब्रेनी पीपल। तो ये हम आज की मीटिंग भी इसी जो सोच को काशी कर रही है और आई एम वेरी हैप्पी टू लॉन्च दिस प्रोग्राम टुडे। सो लेट्स नाउ आई थिंक पुश द बटन।